अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव में पत्नी की विदाई कराने आई युवक को ससुराल वालों के द्वारा पीटकर जख्मी कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर जख्मी खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के बैसा गांव निवासी विकास कुमार ने बताया कि मेरी शादी 2007 में अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव निवासी अवधेश मोदी की पुत्री प्रियंका कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी पत्नी को 5 बच्चे हुए। कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी मायके आई थी, तभी मुझे सूचना मिला कि मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश निवासी पंकज कुमार नाम के युवक से शादी कर लिया है। सूचना मिलते ही मैं अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव अपने ससुराल पत्नी की विदाई कराने आया। मुझे देखते ही मेरी पत्नी प्रियंका देवी, ससुर अवधेश मोदी एवं पंकज कुमार गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। हमें परिवार के गलत चलते मारपीट गलमगारी करबे नहीं करबे, वह मारपीट कर लिया, हमें चाहिए काम करे ला, तो वो ये छे भाग गए बाहर पंजाब। सर कहाँ है? दूसरा के लेडीज के साथ तो भागी गए, तो भागी गए ना, तो अभी जो है साल भर पर आये छे नमी रोजा नर्जा नमी वही से पी वाला एगो छोरा लड़का है पंजाब भर में जो है उसी के साथ रह रहा। अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा अस्पताल के समीप ट्रक के धक्के से एक 3 वर्ष का बच्चा जख्मी हो गया। लोगों की मदद से जख्मी बच्चे को इलाज के लिए डुमरामा गांव स्थित प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा जख्मी बच्चे शुभम कुमार का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। घटनाओं को लेकर जख्मी बच्चे के पिता विकास दास ने बताया कि रविवार की सुबह अपने घर भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव से पत्नी एवं बच्चे के साथ परमनो ने अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव स्थित अपने ससुराल आया था। डुमरामा अस्पताल के समीप ऑटो से उतरकर सड़क किनारे खड़ा था, तभी विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही ट्रक के चालक ने धक्का मार दिया। वहीं डुमरामा गांव के ग्रामीणों ने ट्रक को खदेड़ कर शहर के मोदी टोला के समीप पकड़ लिया। मौके से ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटनाओं की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह पुलिस बलों के साथ पहुंचकर ट्रक को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया। वहीं दूसरी तरफ जख्मी बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है।